नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। फ्रेंड्स, रिलायंस जियो की तरफ से आज बहुत ही अच्छी खबर यहां पर निकल कर आ रही है कि जो जियो का जियो फ़ोन था, आपको पता होगा उसकी बुकिंग काफ़ी समय पहले जो है बंद कर दी गई थी, यानी कि जो पहले फेज़ में बुकिंग हुई थी उसकी डिलीवरी कर दी गई थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये फ़ोन नहीं मिल पाया था और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि फ़िलहाल इस फ़ोन की दोबारा से बुकिंग स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि जियो फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जियो के जो ऐप्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जियो टीवी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको जो है जियो मीडिया केबल वाला फंक्शन मिल जाता है, जिसे आप अपने टीवी से अटैच करके अपने फ़ोन को सभी टीवी चैनल्स को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जियो का फ़ोन बुक कर सकते हैं और इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जब पहली बार जियो फ़ोन की बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। लगभग 6 मिलियन पीपल्स ने यहाँ पर जो है बुकिंग कराई थी जियो फ़ोन के लिए। तो अब जो है जियो फ़ोन लगभग सभी को डिलीवर कर दिया गया था और फिलहाल जियो के स्टोर्स पर भी जियो फ़ोन अवेलेबल था। लेकिन जो लोग जो है फर्स्ट फेज़ में बुकिंग नहीं करा पाए थे, वो लोग अब यहाँ पर दोबारा से जियो फ़ोन प्राप्त कर सकते हैं। आप जियो की वेबसाइट पर भी इसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जियो फ़ोन के जो है बैनर आपको दिख जाएगा और गेट नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि अब फिलहाल आप इस फ़ोन को प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए आपको यहाँ पर बुकिंग करना होगा। आपको जो है जियो फ़ोन के साथ में अगर प्लान की बात की जाए तो 153 वाला प्लान मिलता है, जिसमें आपको रोज़ाना 1 GB करके डेटा मिलता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इस फ़ोन में प्रोवाइड किए गए हैं, तो फीचर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस फ़ोन का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है, साथ में जो ऊपर आई बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो अनबॉक्सिंग वाला देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस फ़ोन की बुकिंग आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो आपको जो गेट नाउ का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो गेट नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम गेट नाउ पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो गेट नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपसे अपना नंबर मांगा जाएगा जिस पर आपको जो है जियो फ़ोन बुक करना है। तो नीचे जाकर आप सबमिट कर देंगे अपने नंबर को और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो है पिन कोड एंटर करना है, यानी कि जो जियो स्टोर है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ से आपको अपना फ़ोन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में आप यहां पर क्वांटिटी भी जितनी मर्जी आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहां पर 10 डालता हूं, तो यहां पर आप प्राइस देख सकते हैं 15,000 रुपये प्राइस हो जाता है। लेकिन अगर आप एक यहां पर डालेंगे क्वांटिटी, तो आपको जो एक फ़ोन पड़ेगा वो 1500 रुपये में पड़ेगा। तो यहां पर जितनी भी क्वान्टिटी आप चाहते हैं इस फ़ोन की, और जिस भी दूसरे नंबर के लिए अगर बुक करना चाहते हैं तो वो नंबर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे जो है प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है पेमेंट के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, आपको यहाँ पर 1500 रुपये पे करने हैं। तो ऐसे करके आप 1500 रुपये पे कर देंगे तो आपको जो नियरेस्ट जियो स्टोर का एड्रेस दे दिया जाएगा और आपको आपका जियो फ़ोन यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों, ये प्रोसीजर था जियो की वेबसाइट के द्वारा, लेकिन आप माई जियो ऐप के द्वारा भी अपना जियो फ़ोन बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माई जियो ऐप ओपन करना होगा। तो जो होम पेज है यहाँ पर भी आपको बैनर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जियो फ़ोन वाले बैनर पर आपको क्लिक करना है। देखिए, इंडिया का स्मार्टफोन गेट नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो माई बुकिंग्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जियो फ़ोन का बैनर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको जियो की वेबसाइट के थ्रू दिखाया था, यानी कि आप जो क्वान्टिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस पिन कोड के लिए अपना जियो फ़ोन चाहते हैं, वो सारा यहाँ पर जो है अपना डाटा फिल करके यहाँ पर जियो फ़ोन आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप दोबारा से आप जियो फ़ोन के लिए फ़िलहाल बुकिंग कर सकते हैं अपने माई जियो ऐप और जियो की वेबसाइट के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।